जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारी पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पहलवान संसद भवन की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, इस दौरान पहलवानों ने पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ दिया, जिसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दरअसल पहलवानों का कहना है कि हम शांतिपूर्ण मार्च निकालेंगे, ये हमारा अधिकार है। पुलिस ने जब बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया तो वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इससे पहले विनेश फोगाट ने वीडियो जारी कर आरोप लगाए थे कि महिला महापंचायत में शामिल होने आ रहे सभी लीडर्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें, पहलवान बजरंग पुनिया ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हम 11:30 बजे नई संसद की ओर कूच करेंगे। मैं पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि हम शांति पूर्वक जाएंगे, हमें परेशान ना किया जाए। सभी से अनुरोध है कि शांति बनाए रखें। पुनिया ने आरोप लगाया था कि पुलिस के अधिकारी बदतमीजी कर रहे हैं, परिवार को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। आज महापंचायत होगी, हमने इसकी अनुमति के लिए कल ही आवेदन दे दिया था। पुलिस हमारे लोगों को गुमराह कर रही है, हमसे कोई बातचीत नहीं हुई है। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए विनेश फोगाट ने आरोप लगाया था कि सरकार हम पर समझौते का दबाव बना रही है, लेकिन हम समझौते के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि जो शर्त रखी जा रही है वो बृजभूषण की गिरफ्तारी के बिल्कुल नहीं है। नई संसद के सामने होने वाली महिला सम्मान महापंचायत होकर रहेगी। पहलवानों के नई संसद कूच के ऐलान को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त कर दी गई थी। ईस्ट दिल्ली की DCP अमृता गुगलोत ने कहा कि दिल्ली पुलिस इस तरह के मामलों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे पास अतिरिक्त मात्रा में सुरक्षा बल है और सभी की तैनाती की गई है। वहीं टिकरी बॉर्डर पर भी पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी थी, क्योंकि खाप पंचायत के नेताओं और किसानों ने नए संसद भवन की ओर प्रदर्शनकारी पहलवानों के मार्च में शामिल होने की घोषणा की थी। इधर जंतर मंतर पर जाने से पहले पहलवानों पर हुई कार्रवाई पर टिकैत कार्यकर्ता भड़क गए। वहीं NH 34 को जाम करके वो लोग नेशनल हाईवे पर ही धरने देने बैठ गए। सूचना मिलते ही SP, CT और पुलिस वाले मौके पर पहुंच गए।